सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन GRTR, गेट रेडी टू राइड। ठीक है गाइस, तो भाई अपने सामने खड़ी है ब्लू बीस्ट। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 रीज़न जिसके आपकी बाइक एकदम नर्क में चली जाएगी। भाई आपकी बाइक बिल्कुल लद्दड़ हो जाएगी। ये 5 गलती अपनी बाइक के साथ मत करना, करते हो तो मत दोहराना। ठीक है भाई, आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देरी करे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो रीज़न है वो आता भाई चैन। भाई चैन जितनी गंदी रखोगे ना, बाइक की जो चैन की जो गरारी है भाई उतनी कटेगी। ठीक है, उतनी कटेगी चैन के जो ये रिंग्स है, ओ रिंग्स हैं, ये कटेंगे। ठीक है, फर्स्ट रीज़न ये हो जाता है अगर चैन आपकी गंदी है, इसको भाई क्लीन करो, इसमें लूप मारो। ठीक है, चैन एकदम साफ़ सुथरी रखो। जैसे कि मैंने देख रहे हो लूप मार रखा, हल्की सी गंदी हो रही है ये। ठीक है भाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो आप ये गलती मत दोहराना। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न तो आपका ये हो गया कि आपको चैन रखनी है क्लीन, जिससे आपका गाड़ी में मोटा खर्चा आने से बच जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेकेंड टिप्स की। सेकेंड टिप्स में आपको क्या करना है, सेकेंड टिप्स आपको सिंपली है, कई बंदे होते हैं हाफ़ क्लिच के साथ गाड़ी चलाते हैं। हाफ़ क्लिच के साथ कैसे, इन द सेंस आपको बताता हूँ मैं। अब जैसे अब गाड़ी चल रही है ना, ये देखो गाड़ी चल रही है नॉर्मल। नॉर्मल हम कैसे चलाते हैं, मतलब पर्सनली मैं कैसे चलाता हूँ, ऐसे चल रही नॉर्मल, मैं क्लिच को फ्री कर देता हूँ बिल्कुल। लेकिन कई बंदे कैसे क्या होते हैं, वो हमेशा क्लिच लीवर पर हाथ रखे रहते हैं, हल्का सा उनका हाथ ऐसे रहता है। भाई हाफ क्लिच में गाड़ी कभी मत चलाना, इससे क्या होगा आपकी क्लिच प्लेट बहुत जल्दी फूकेंगी, बहुत जल्दी आपकी ख़राब हो जाएंगी क्लिच प्लेट, जिससे आपकी गाड़ी में एक मोटा खर्चा आ जाएगा। तो भाई ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाफ क्लिच में गाड़ी कभी मत चलाना। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स थर्ड टिप क्या है, थर्ड टिप है आपकी जो बंद, कई बंदे होते हैं उनको ना आदत होती है। आदत इन द सेंस क्या होती है, ये देखो जो ब्रेक लीवर है ना, ये ब्रेक लीवर पर हाफ पैर रखा रहेंगे। ठीक है, हाफ ब्रेक उनका दबा रहेगा हमेशा, तो इससे भी काफ़ी जो ब्रेक शू हैं बहुत जल्दी घिसते हैं। ठीक है, और इंजन पे भी काफ़ी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे आपकी गाड़ी में और ज़्यादा मोटा खर्चा आ जाता है। तो एक ये भी बात हो जाती है माइंड में रखने वाली। फोर टिप्स जो है आपकी है, अगर आपका FI इंजन है ना, FI इंजन में जो है कि ये मान लो 2 से 2 लीटर करीब, 1.5-2 लीटर तो आराम से इसमें रिज़र्व में पेट्रोल रहता है। ठीक है, रिज़र्व में पेट्रोल रहता है, और इस अगर इसमें FI इंजन में आप पेट्रोल कम रखते हो तो जो इसका फ्यूल पंप होता है ना, फ्यूल पंप इसके अंदर होता है, तो फ्यूल पंप जो होता है ना वो एकदम फूक जाता है। अगर कम पेट्रोल को ना तो फ्यूल पंप फूक जाएगा, तो उससे भी काफ़ी मोटा खर्चा आपकी R15 या फिर आपकी और गाड़ी FI इंजन वाली गाड़ी है उसमें भी मोटा खर्चा आपकी गाड़ी में आ जाएगा। अब बात आती है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिफ्थ रीज़न कह लो, टिप कह लो, क्योंकि ये रामबाण इलाज। भाई ये मान लो जो आपकी गाड़ी है ना, गाड़ी की ऐसी धज्जियाँ उड़ा देगा। नॉर्मली आपको क्या करना है, जो बंदे होते हैं ना एकदम से तीसरा गियर है ना, तीसरे गियर पे गाड़ी उठा देते हैं, मतलब इन द सेंस फर्स्ट गियर पे गाड़ी हमेशा उठती है। नॉर्मली जब गाड़ी आप उठाओ ना, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी उठाओ अपनी। और एक टिप और दे देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी FI इंजन है ना, नॉर्मल उसका RPM आने दो। नॉर्मल RPM होता है करीब करीब 1500। ठीक है, आप एक बार 1 मिनट या 2 मिनट के लिए ना गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है, इंजन स्टार्ट करो, छोड़ दो 1 या 2 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, RPM ना वो नॉर्मल RPM निकल के आपका आ जाता है। तो नॉर्मली जब आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करोगे ना, तो कोल्ड स्टार्ट रहेगा कम से कम 2000-2500 इतना रहता है अराउंड। लेकिन जब आप तो कोल्ड स्टार्ट करोगे ना, तो ये 1 या 2 मिनट के बाद ना 1500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एक टिप आपकी ये हो जाती है। तो भाई आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपकी नॉलेजेबल वीडियो रही है ये, तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर करना। और अगर ऐसी आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को लो सब्सक्राइब, GRTR गेट रेडी टू राइड। आप अपना चैनल है फ्रेंड्स, लाल वाला बटन है और काला वाले में भी आ रहे हैं अब तो। ठीक है, दोनों ही सब्सक्राइब कर लो यार। तो मिलते हैं ऐसी कोई अगली सी वीडियो में फ्रेंड्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।